तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो आजकल देखो चैनल पे कम एक्टिव रहती हूँ, तो मेरी टैगलाइन बोलने में भी भूल गई मैं बीच में पर कोई नहीं। आज है ना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने आई हूँ। आजकल मैं उसी मुद्दे पे वीडियोस बना रही हूँ जो आप लोगों के ढेर सारे कमेंट जिन मुद्दों पे आ रहे हैं। तो मेरे पास में ऐसे बहुत सारे कमेंट उन बच्चों के आ रहे थे जो अभी या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो MMA है या जिन्होंने MA क्लियर करी है। तो पिछले वीडियोज़ में तो मैंने आपको जवाब दिया था कि क्या आप मतलब MSc के बाद में, BSc के बाद में, BTech के बाद में MA कर सकते हैं या ज्योग्राफी से MA कर सकते हैं क्या नहीं, इन सारी बातों का जवाब दिया था। उसके बाद में आपके बहुत सारे वीडियोज़ आए, मैसेजेस आए कि मैडम हमें ये बताइए कि, उस वीडियो के नीचे में बहुत सारे मैसेज आए कि ये बताइए कि हम जीरो लेवल से कैसे तैयारी करें। तो वैसे तो मैंने देखो बहुत सारी स्ट्रेटेजी, मेरी फर्स्ट ग्रेड की जिस तरह से मैं बनी थी वो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लेकिन मुझे ये सही लगा कि हाँ यार, कि जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं और कॉलेज के साथ साथ, क्योंकि आजकल की जनरेशन बड़ी एडवांस हो गई है, हम कॉलेज में थे ना तो हम मतलब कॉलेज की पढ़ाई करते थे, आगे की इतना मतलब ऐसे था कि RAS बनना है, लेकिन इतना इतना ऐसा नहीं कि RAS के स्तर पर ही पढ़ाई करें। लेकिन मुझे भी ऐसे लगता था कि हम थोड़े पीछे रह गए। जब हम बाहर निकले जयपुर तो हमने देखा कि यार फर्स्ट ईयर के बच्चे ही कोचिंग्स लेने आ जाते हैं, ये वो है ना, बड़े एडवांस हो गए, मतलब बड़ी जल्दी करियर की चिंता होती है ना बच्चों को। तो ये ज़रूरी भी है और ये नेसेसरी भी है कि आप जब कॉलेज कर रहे हो, आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप जब MA कर रहे हो, उसके साथ साथ ही जो आपका ड्रीम है उसकी तैयारी करने लग जाओ। तो कि आप ग्रेजुएशन के साथ में और आप MA के साथ में, है ना, मोस्टली MA के साथ में किस तरह से आप जीरो लेवल से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी, ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज है ना, मतलब बहुत सारे जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसे जुड़ रहे हैं जो नए हैं, और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है यार कि मतलब मेरे छोटे छोटे से ये इंफॉर्मेशनल जो वीडियो होते हैं उन पर आप इतना सारा सपोर्ट कर रहे हो। बहुत सारे छोटे मतलब बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैडम ये बताइए ये बताइए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार है ना बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड बनते कैसे हैं, फर्स्ट ग्रेड होता क्या है, उसके लिए योग्यताएं क्या होती हैं, क्या पेपर लगता है, पेपर में क्या पूछा जाता है, और जो फर्स्ट ग्रेड बन जाते हो तो उसकी सैलरी क्या होती है, क्या इंक्रीमेंट्स होते हैं, क्या प्रमोशन होता है जो मैंने जाना है। क्योंकि जब तक हम जॉब नहीं लगते तब तक हमें इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता, हम बस यूँ समझते हैं फर्स्ट ग्रेड मतलब होता है मास्टर टीचर होता है ना, लेकिन जब हम किसी जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे तब हम उस जॉब को पाने की उत्सुकता हम और बढ़ेंगे, है ना, मतलब और बढ़ती है हमारे अंदर। मैं ना जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर की तैयारी करती थी तो मैं अक्सर फर्स्ट ग्रेड की सैलरी देखा करती थी, ऐसे वीडियोस देखा करती थी जिसमें बताते थे कि फर्स्ट ग्रेड की सैलरी कैसी होती है। क्योंकि यार RAS का उस टाइम मैंने इंटरव्यू दे रखा था या फिर इंटरव्यू कॉल हो रखा था, उस टाइम इतना भरोसा नहीं था कि यार पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं हो, बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन हो सकता है फर्स्ट ग्रेड बन जाए, और फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे तो क्या सैलरी मिलेगी यार। मतलब बेरोजगारी के ज़माने में ना अगर कोई 10,000 रुपये भी दे दे वो भी बड़ी चीज़ होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना। तो उस टाइम पे मैं भी ऐसी चीज़ें देखा करती थी, इसलिए आज मैं आपको पूरी मतलब 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरी पूरी चीज़ें बताऊंगी कि फर्स्ट ग्रेड के लिए योग्यता वगैरह क्या होती है, ठीक है। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। उससे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, एक तो मैंने चैनल के लिए इंस्टाग्राम आईडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दी गई है, @SuccessWorld के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मेरे पर्सनली वीडियोज़ मतलब चाहते हो, फैमिली से रिलेटेड जो वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ, स्कूल से रिलेटेड, अगर आप मतलब वो सब भी देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो भूल ही जाती हूँ बोलना, तो प्लीज़ जो भी आप लोग नए हो जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो और कुछ कुछ अपने स्तर पे जो मैं आपको तैयारी भी करवाती रहती हूँ उन सब के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हो तो पहली योग्यता होती है, आप सबको ऐसे दिमाग में आता है कि
क्या एज होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं मैडम अभी मैं थर्ड ईयर में हुआ हूँ तो क्या मैं रीट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या है? तो सबसे पहले तो हमारी एज होती है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें मिनिमम चाहिए 21 ईयर्स की एज, और अगर मैक्सिमम चाहिए 40 ईयर्स की एज, है ना। मतलब 21 साल का होना ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स का होना ज़रूरी है। मतलब 40 ईयर्स से ऊपर में कुछ लोगों को छूट मिलती है, जैसे महिलाओं को छूट मिलती है, कुछ रिजर्व कैटेगरी को छूट मिलती है, वो आप फॉर्म भरोगे तब पता चल जाएगा। बाकी मिनिमम होती है अपनी 21 से लेकर 40 ईयर की एज। इस एज वाले एज ग्रुप वाले बच्चे जो है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। है क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो सबसे पहले तो हम ग्रेजुएट होने चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट में हमने बीए किया है या बीएससी किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने ग्रेजुएशन करी है, जो भी है आप बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप कर रहे हो वो करिए। उसके बाद में यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए उसके बाद में आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट की आप व्याख्याता बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में एमए करो। जैसे कि मैं अभी वर्तमान में ज्योग्राफी की लेक्चरर हूँ तो मैंने ज्योग्राफी से एमए करी थी। उसके बाद में हमारे पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद में 2 साल की एमए होती है और फिर हमें चाहिए बीएड की डिग्री। तो अभी 2 साल की बीएड की डिग्री जो मैंने करी है, अभी 2018 में कंप्लीट हुई थी मेरी बीएड वाली डिग्री, तो 2018 में आपके पास में 2 साल की बीएड की डिग्री, मतलब सॉरी 18 में नहीं, आपके पास में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए जो अभी 2 साल की होती है। तो इस तरह से आपको बीए एमए और बीएड, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बीएड करी और बीए करी और बीए के बाद में आप एमए ही करो। आप पहले बीएड भी कर सकते हो और बीएड करके आप थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो टीचर लेवल के एग्ज़ाम होती है उसके फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपको व्याख्याता बनना है तो व्याख्याता बनने के लिए आपके पास में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट में आप बनना चाहते हो। तो इसलिए जैसे कि जिस भी सब्जेक्ट में आप कॉमर्स में बनना सॉरी आप इकोनॉमिक्स में बनना चाहते हो, आप साइकोलॉजी में बनना चाहते हो, आप हिंदी में बनना चाहते हो, इंग्लिश में बनना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट में बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में बीए कर लो, उसके बाद में बीएड कर लो। अगर आप पहले नौकरी चाहते हो कि मुझे सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की नौकरी चाहिए और उसके बाद में आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, तो पहले आप कोई भी मतलब ठीक है कि बीएड कर ली और आपने सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की जॉब हाथ में ले ली, उसके बाद में भी आप एमए कर सकते हो। मतलब फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए आपके पास में बीए बीएड प्लस एमए की डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के यू मैसेज आ रहे हैं कि मैडम अभी मैं एमए फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ अगर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है तो? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हो और आपने बीए बीएड कर रखी है तो आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एमए सेकंड ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर आपकी शुरू ही हुई है और अभी वैकेंसी आ जाती है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने में राजस्थान में 1-1.5 साल तो लग ही जाते हैं, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा उस दिन आपके पास में एमए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्म भर रहे हो तब, चाहे आप एमए फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे चुके हो, फर्स्ट ईयर के दे चुके हो और सेकंड ईयर का आपने फॉर्म ही भरा है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस दिन आपकी एमए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और सेम यही बीएड में होता है। बहुत सारे बीएड वाले बच्चों के भी मैसेज मेरे पास में आते हैं कि मैडम हम मैं अभी बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ और जैसे कि क्या अभी वैकेंसी आती है तो, चाहे वो रीट की आए, चाहे वो सेकंड ग्रेड आए, चाहे वो थर्ड ग्रेड आए, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो और बीएड 2 साल की होती है, अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन अगर आप बीएड सेकंड ईयर में हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस ज़रूरी है कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपके पास में बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यही चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने रीट का फॉर्म भरा था, तो जस्ट मैंने बीएड फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी थी और सेकंड ईयर में मेरा बीएड में एडमिशन हुआ ही था, ठीक है, और मैंने रीट की एग्ज़ाम दी थी और ये था कि रीट की एग्ज़ाम दे दी और रीट का रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट आने के बाद में जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के लिए अपन को फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, तो उस काउंसलिंग डेट पे मेरे पास में बीएड की डिग्री कंप्लीट नहीं थी। रीट में काउंसलिंग होती है पहले, उस काउंसलिंग में हमारे पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। लेक्चरर में काउंसलिंग नहीं होती, लेक्चरर में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो डिग्री मेरे पास में नहीं थी रीट वाले में। क्यों? और क्योंकि मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमए करी थी तो बड़ी दिक्कतें आई थी, उन्होंने रिजल्ट बहुत लेट निकाला था, तो मेरी मतलब एक तरह से उस टाइम बहुत इश्यूज आए थे, है ना।
तो थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिए कि जिस दिन आपका रीट में काउंसलिंग हो रही है या फिर बीएड अगर आपने लेक्चरर की एग्ज़ाम दी है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन हो रहा है उस दिन आपके पास में बीएड या फिर एमए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, वो चीज़ मैटर करती है। थर्ड चीज़ है कि क्या प्रोसेस क्या होती है। देखो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी रिटर्न एग्ज़ाम लगती है, ठीक है। रिटर्न एग्ज़ाम में मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब अब सदे वाले क्वेश्चन, चार ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, वो वाला अपने पास में पेपर आता है। और आपके दो पेपर लगेंगे, दो पेपर 2 दिन में लगते हैं। एक पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीके का होता है, जिसमें बेसिक सारी जीके आ जाती है, जो आरएएस के प्री में भी आती है, रीट में भी आती है, मतलब सारी जीके। तो जो फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर हमारा लगता है, जो जीके का पेपर लगता है, उसमें लगभग पूरी जीके आती है, जो भी हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, जनरल हिंदी इंग्लिश भी आती है, हिस्ट्री आती है, राजस्थान आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटी आती है, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग भी आती है, सारी जीके आती है। वो पेपर होता है अपना 75 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है। लेकिन जो सेकेंड पेपर होता है अपना, वो अपना सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने एमए करी है और जिस भी सब्जेक्ट के आप व्याख्याता लेक्चरर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है। और उसमें हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, और मतलब उसमें हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। तो 300 ये और कितने, 150 वो, 75 क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो 150 मार्क्स वो, ऐसे करके टोटल 450 नंबर अपने बनते हैं, और 450 में से अपनी कट ऑफ निकलती है, और इस कट ऑफ को अगर हम पार कर पाते हैं तो हम बनते हैं व्याख्याता, ठीक है। तो हम पेपर देने जाते हैं, और जैसे ही हमारे दोनों पेपर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में जब हमारा रिजल्ट आता है, तो हमारा रिजल्ट आता है कट ऑफ के आधार पर, कि भाई जिसके ज़्यादा ज़्यादा नंबर आए हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके कम नंबर आए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो पहले एक ही रिजल्ट निकलता था, लेकिन जब से जिस साल से मेरा सिलेक्शन हुआ है 2021 में, मतलब 20 में, तो 2020 से इन लोगों ने दो दो कट ऑफ निकालना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट कट ऑफ निकलती है और उसके बाद में सेकंड कट ऑफ निकलती है। फर्स्ट कट ऑफ में ये दुगने बच्चे पास करते हैं, जैसे कि 1800 वैकेंसी है तो 3600 बच्चे ये लोग पास करते हैं, और जो सेकंड कट ऑफ निकालते हैं उसमें ऊपर के 1800 ले लेते हैं, जो जिनके ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और बाकी 1800 निकाल देते हैं। तो अगर आपके फर्स्ट कट ऑफ में लगभग आपके कट ऑफ से 20-25 नंबर ज़्यादा है, तो ही आप सोचिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अदरवाइज फाइनल सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कट ऑफ निकल गई, कट ऑफ निकलने के बाद में कि फर्स्ट कट ऑफ में हमारा सिलेक्शन हो गया, सेकंड में भी हमारा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में हमारी लास्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कि उसके बाद में हमें अजमेर निदेशालय में बुलाया जाता है, सॉरी बीकानेर हमें निदेशालय में बुलाया जाता है, शिक्षा विभाग का जो निदेशालय, और उसके वहाँ पर हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर हमारे एक एक डॉक्यूमेंट कि हमारा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के मार्कशीट, और सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से देखी जाती हैं, और बीएड की मार्कशीट वगैरह सब बहुत ही ध्यान से देखी जाती है। और फाइनली जब हमारे डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाइड कर दिए जाते हैं, उसके बाद में हमारी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि वेरिफिकेशन हो गया, फिर हमारे पास में कॉल लेटर आता है कि 3 तारीख को आपकी काउंसलिंग है। काउंसलिंग के लिए फिर से हमें, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था अजमेर में, है ना, BSER का जो बोर्ड है हमारा अजमेर में हुआ था, और काउंसलिंग मेरी हुई थी बीकानेर में। काउंसलिंग के लिए बीकानेर बुलाया गया था, और बीकानेर जाते हैं फिर अपन। और काउंसलिंग का मतलब होता है स्कूल चूज़ करना, जैसे आपकी जो भी मेरिट का मेरिट नंबर है, जैसा मेरी 143 रैंक थी, तो जो भी आपका मेरिट नंबर है उस हिसाब से आपको बुलाया जाता है, और आपको स्कूल चूज़ करवाई जाती है कि कौन सी स्कूल देनी है। वहाँ स्कूल्स अपनी मतलब स्क्रीन पर चलती रहती है, उन स्कूलों में चूज़ करना पड़ता है कि ये हमें चाहिए। अगर हमारी मेरिट बहुत नीचे होती है तो अच्छी अच्छी स्कूलें चूज हो जाती है, और अगर हमारी मेरिट थोड़ी ऊपर है तो हमें ठीक ठाक ढंग की स्कूल मिल जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी सिंपल सिंपल चीज़ें। अब होती है कि सैलरी क्या है। देखो, हमने देख लिया योग्यता क्या होती है, हमने देख लिया कैसे बनती है, हमने देख लिया बन गए तो फिर प्रोसेस क्या है लगने की। अब हम बात करते हैं सैलरी की, या फिर कितनी सैलरी मिलती है, क्या प्रमोशन वगैरह होते हैं, ये सब। देखो, राजस्थान सरकार ने हर एक चीज़ में
मतलब हर एक गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन पीरियड रख रखा है ना। तो जैसे ही हम टीचर बनते हैं, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का मतलब होता है 10वीं और 12वीं को पढ़ाने वाला टीचर। जिस भी सब्जेक्ट से आप व्याख्याता बने हो वो उसी सब्जेक्ट को 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ाएगा। जैसे कि मैं मेरे स्कूल में 10th और 11th क्लास को ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन बहुत सारी कमियाँ स्कूलों में होती हैं और हमारे स्कूल में मोस्टली लेक्चरर्स के पद, मतलब 3 ही लेक्चरर हैं सीनियर तक स्कूल है, तो मैं उनको हिस्ट्री भी पढ़ा देती हूँ, मैं उनको राजनीति विज्ञान भी पढ़ाती हूँ और मैं 10th में भी सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे सिस्टम की बहुत सारी कमियाँ। लेकिन लेकिन हम पे जो मेन भार होता है वो सिर्फ और सिर्फ 11th 12th का होता है। बाकी अगर आप अपने मन से भला करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा दिया, ये होती है व्याख्याता। व्याख्याता की एक ठीक ठाक जॉब होती है, बढ़िया इज्जत होती है, बढ़िया शालीनता की जॉब होती है यार। सर्दियों में तो आप 10 से 4 तक जाओ और गर्मियों में आप 7 से 1 बजे तक स्कूल करो, बाकी सारे टाइम में आप फ्री हो, नो बर्डन नो प्रेशर। बहुत ही मतलब डिसेंट जॉब होती है, आप यूँ कह सकते हो, बहुत ही बढ़िया जॉब होती है, बिना टेंशन वाली। अब जब बात करते हैं सैलरी की, तो टीचर एक ऐसा वर्ड बोला जाता है जिसको कहते हैं कि इनको ना सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, और वास्तव में सैलरी अच्छी और वास्तविकता भी ये है कि टीचर्स को ठीक ठाक सैलरी मिलती भी है ना। और इसलिए होता है कि हमारी ज़्यादातर जनरेशन जो है टीचिंग जॉब में जाना चाहती है, क्योंकि बिना टेंशन के आराम की जॉब है और सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है और बढ़िया जॉब है ना। इसलिए सैलरी की जब हम बात करते हैं तो देखो, L12 लेवल की जॉब है हमारी, हमारी जितनी भी जॉब्स होती हैं वो एक ग्रेड में बंटी होती हैं। तो जैसे कि L12, L14, L16 ऐसे बंटी होती हैं। तो जिस लेवल पे हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी सैलरी बढ़ती जाती है। जो जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होता है वो L12 की जॉब में आता है, और L12 के जॉब का मतलब होता है, मतलब जो हमारी पे ग्रेड होती है, बेसिक पे ग्रेड, वो होती है 4800 पे ग्रेड होती है एक लेक्चरर की, ठीक है। अब जो प्रोबेशन काल होता है, जो मैं बता रही थी, 2 साल का हमें प्रोबेशन काल काटना पड़ता है। 2 साल का प्रोबेशन का मतलब होता है कि हम एक तरह से परिवीक्षा काल में हैं, मतलब कि हम अभी सीख रहे हैं काम, अस्थाई जॉब मानी जाती है थोड़ा सा, कि एक तरह से ट्रेनिंग चल रही है हमारी, ठीक है। उस काल में हमें जो हमारी मूल सैलरी है उसकी आधी ही सैलरी दी जाती है। तो परिवीक्षा काल में हमारी जो सैलरी होती है, या लेक्चरर की जो सैलरी होती है, वो होती है 31,100 रुपये। जो मूल सैलरी होती है वो होती है 31,100 रुपये, ठीक है। उसमें भी कुछ कटौती हो जाती है, उसमें जैसे कि कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, जैसे कि हमारा NPS कटता है 10% का, 10% का NPS हमारी सैलरी में से काटा जाता है, 10% NPS गवर्नमेंट खुद जमा कराती है, तो हमारा NPS जमा होता है। और इसके साथ ही RGHS की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो भी उसके पैसे कट जाते हैं, 330 रुपये या 260 रुपये, आप जो भी 220 रुपये की लेना चाहो या 330 रुपये की, जिसके लिए आपको मतलब बीमा मिलता है। जैसे कि मैं अभी लेक्चरर हूँ तो मैं जो RGHS के पैसे कट पाती हूँ उसके लिए RGHS का कार्ड बनता है, और उसमें मेरी फैमिली का इलाज, लाइक मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, इन सब का इलाज फ्री होता है ना। तो ये एक स्कीम होती है, उसके भी हमारे पैसे कटते हैं। और यूँ कहें कि जो कट कटा के जो प्रोबेशन काल में फर्स्ट ग्रेड टीचर को सैलरी मिलती है वो लगभग 27,760 रुपये, कभी 28,000 कुछ रुपये इतने ही मिलते हैं ना, कट कटा के लगभग अंदाजा ना ही होता है। तो मतलब परिवीक्षा काल में जो सैलरी मिलती है उससे आपका गुजारा हो जाता है, बस इतनी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो 2 साल आपको ऐसे ही गुजारने पड़ते हैं, और 2 साल में आपको नौकरी सीखनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में जब आपका फिक्सेशन हो जाता है 2 साल में, तो जैसे कि फिक्सेशन जैसे ही होता है तब आपकी जो आपकी मूल सैलरी है, जो कि मैंने 4800 पे ग्रेड बताई, उस जो आपकी मूल सैलरी है वो मिलने लगती है। और एक फर्स्ट ग्रेड टीचर की जो मूल सैलरी है वो होती है लगभग 44,300 रुपये होती है। 44,300 रुपये में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, मतलब बेसिक पे तो 44,300 रुपये, 44,300 में आपका DA मिलता है, HRA मिलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। तो जो जो DA HRA होते हैं वो हर साल बढ़ते भी रहते हैं, DA हर साल बढ़ता रहता है ना। तो वर्तमान में जो DA मिल रहा है वो लगभग 31% है, अभी शायद 33% करने की बात चल रही है, हर साल बढ़ता है। केंद्र सरकार ही बढ़ाती है, और वो जो केंद्र सरकार बढ़ाती है वही राज्य सरकार एक्सेप्ट करके हमें देते हैं। तो प्रोबेशन होने के बाद में जो 44,300 रुपये हमें मिलते हैं उस पे DA मिलेगा हमें 31%। तो इनका 31% निकालें तो 13,733 रुपये होते हैं, कि मतलब 31% के हिसाब से DA निकालें। अब शायद ये मैं पिछली बार वाली पे स्लिप के हिसाब से बता रही हूँ, इस बार के हिसाब से शायद थोड़ा बढ़ भी गया होगा, हो सकता है 32 या 33% हो गया, और मैं 31% के हिसाब से बता रही हूँ, 33,733 रुपये 2022 के अकॉर्डिंग तो यही चल रहा है। और
एचआरए मिलता है, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता हमें 13% का मिलता है हमारी सैलरी के ऊपर। 13% रुपए जो होते हैं इनके लगभग 13,733 रुपए मिलते बनते हैं, ये मिलेंगे। फिर एचआरए मिलता है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, कि आप कहीं भी रह रहे हो गाँव में शहर में तो आपको हाउस रेंट मिलता है, ठीक है। तो वो शहरों में होता है 18% और गांव में होता है 9%। अगर आपकी ड्यूटी गांव में है तो आपको 9% का मिलेगा, शहरों में है तो आपको 18% मिलेगा। 9% में कुछ 3,987 रुपये बनेंगे, या फिर 18% हुआ तो इसमें थोड़े से ज़्यादा पैसे बनते हैं। हम 9% के हिसाब से 3,987 बना रहे हैं। बाकी टीचर्स को कुछ नहीं मिलता, जैसे कि एक्स्ट्रा अलाउंस कोई भी हो वो नहीं मिलता है। यात्रा भत्ता हमें कहीं नहीं मिलता है, अगर हमें कहीं भी जाना है तो अपने पैसों पर जाना पड़ता है। और हमारी ग्रोस सैलरी डीए और एचआरए मिला के लगभग 62,020 रुपए, या फिर अगर 18% वाला मिल रहा है तो 66,007 रुपए, ऐसे कुछ आपकी सैलरी जो मूल सैलरी है आफ्टर 2 ईयर्स आपको ये मिलेगी, मतलब 62,000 और 66,000 के बीच में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये मिल गया, अब इसमें भी कुछ कटौती होगी तो 2 साल बाद में जो आपका डीए और एचआरए वगैरह मिलकर जो बनी आपके सैलरी 62,000 या 66,000 के लगभग बनी, उसमें भी कुछ कटौती होती है। इन हैंड आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती और उसमें जो कटौती होती है वही 10% एनपीएस कटेगा आपका। जितना आप अपना पैसा जमा करा रहे हो उतना ही पैसा गवर्नमेंट आपके लिए जमा कराएगी। इसके अलावा स्टेट इंश्योरेंस के 2,200 रुपये कटते हैं और आरजीएचएस के वही 330 रुपये कटते हैं। ये सब कट कटा के 53,500 से 57,000 रुपये आपको इन हैंड मिलते हैं। मतलब जो 18% वाले एचआरए में आ रहे हैं उन्हें 57,000-58,000 रुपये मिलते हैं, और जो 9% वाले एचआरए में आ रहे हैं उनको 53,000 या 54,000 रुपये मिलते हैं। बाकी पैसे आपके ही जमा हो रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, बस इन हैंड आपको इतने मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई सैलरी की बात। अब आप बोलते हो कि मैडम हमें फर्स्ट ग्रेड के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो यार मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी, इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं हो सकता। मैं भी जब पढ़ते पढ़ते दुखी हो जाती थी तो मैं बता रही हूँ, मैं सैलरी वाले वीडियो देखा करती थी, यार इतने पैसे हाथ में आ जाएंगे, एक लड़की को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, या एक लड़के को इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक सामान्य और अच्छा खासा जीवन जीने के लिए, और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए इतनी सैलरी काफ़ी होती है ना, अगर हम ईमानदारी से अपना जीवन बिताना चाहें तो। इसलिए एक टीचर की जॉब बड़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है। ये हमने सैलरी की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट की, कि इंक्रीमेंट भी होता है या हमेशा सेम ही सैलरी मिलती है। तो जो हमारा डीए होता है, जो मैंने अभी 31 से 33% के बीच में बताया, हर साल हमारा डीए बढ़ता है, हमारी सैलरी में हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि अभी मान लो 56,000 रुपये मिल रहे हैं, तो अगले साल 3% बढ़ा दो 56,000 में, उतने तो आपके साल दर साल बढ़ेंगे। आफ्टर प्रोबेशन की बात कर रही हूँ मैं, प्रोबेशन में आपको कुछ नहीं मिलता है, आफ्टर प्रोबेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 3% बढ़ेगा, इसके बाद में डीए जो होता है, वो साल में 2 बार बढ़ता है, वो केंद्र सरकार ही बढ़ाती है, 1 जनवरी में 1 जुलाई में, है ना, तो वो बढ़ के आ जाता है। तो हर साल आपके इंक्रीमेंट के 3% बढ़ गए और डीए भी 31 से 32, 33, 34 ऐसे बढ़ता जाता है, तो हर साल आपका डीए भी बढ़ता जाएगा। ये गवर्नमेंट की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हो कि हर साल आपकी सैलरी जो है पिछले साल के मुकाबले लगभग 3,000-5,000 रुपये बढ़ के आएगी पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं लीव की, छुट्टियाँ क्या क्या मिलती है टीचिंग के जॉब में। तो जितने भी संडे हैं वो सारे संडे मिलते हैं, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं वो हॉलीडेज मिलते हैं। और एक बात और बताती हूँ, गवर्नमेंट हॉलीडेज तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ में जून लास्ट में मतलब 24-25 जून को आप स्कूल ज्वाइन करते हो, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने स्कूल जाना है, दिवाली पे छुट्टी आ जाती है 10-15 दिन की, आराम से घर जाओ एंजॉय करो, ठीक है। फिर अक्टूबर में दिवाली आती है, नवंबर स्कूल जाना है, नवंबर और दिसंबर में फिर बड़े दिनों वाली और क्रिसमस की और ये छुट्टी आ जाती है लगभग 10 दिन की, आराम से घर जाओ एंजॉय करो, ठीक है। और उसके बाद में आपको हाफ जनवरी तो छुट्टियों तक निकल जाता है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई से वापस छुट्टियां हो जाती है, पूरे जून में एंजॉय करो छुट्टियों को। ये वाली छुट्टियां किसी अन्य विभाग में नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ टीचिंग वाले विभाग में मिलती हैं। तो ये भी अपने आप में मोटिवेशन है यार, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर हम कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, लंबी वेकेशन चाहिए, किसी की परिवार में शादी करनी है, इवन मैंने खुद ने मेरी शादी मई में इसलिए करी थी बिकॉज मेरी छुट्टियाँ उस टाइम पर थी, है ना, लंबी छुट्टियाँ थी आराम से, तो एक्स्ट्रा छुट्टियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
तो छुट्टियाँ गवर्नमेंट जॉब औरों को जो मिलती है गवर्नमेंट लीव्स वो तो मिलती है, साथ ही ये वाली छुट्टियाँ जो बच्चों को मिलती हैं वो आपको भी मिलती हैं। इसके अलावा एजुकेशन लीव भी मिल सकती है, अगर आपका प्रोबेशन पूरा हो गया है तो आपको एजुकेशन लीव भी मिलेगी। इसके अलावा पैटर्निटी लीव मिलती है 15 दिन की, अगर आप मतलब मेल हो और आपके बच्चा हुआ है तो आपको 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। और मैटरनिटी लीव मिलती है 6 महीने की, अगर महिला हो और फिर बच्चा हुआ तो 6 महीने का आपको मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। इसके अलावा आपको 15 CL मिलती हैं, प्रोबेशन में आपको सिर्फ 15 CL मिलती हैं और 2 साल में 30 CL आपको मिलते हैं। उसके अलावा प्रोबेशन में आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, ना PL ना मेडिकल ना कुछ और कुछ नहीं मिलता। लेकिन 2 साल का प्रोबेशन के होने के बाद में आपको 15 CL मिलेंगी, 15 PL मिलेंगी, 20 मेडिकल मिलती हैं, और मेडिकल तो लगभग आधी हो जाती है, तो हम माने कि 10 दिन की मेडिकल लीव अपन को मिल जाती है। और 2 RH भी होते हैं, मतलब 2 हमारे ऐच्छिक अवकाश भी होते हैं। इतनी सारी छुट्टियां आपको मिलती हैं, तो यार और क्या चाहिए, इतनी अच्छी सैलरी, इतनी सारी छुट्टियां, और जॉब क्या है आपकी, पढ़ाना। तो यकीन मानो, मतलब जब आप बच्चों के बीच में जाते हो ना तो आप सब भूल जाते हो। बच्चे मतलब भगवान का रूप होते हैं यार, उनके बीच में जाओ, जब आपका पढ़ाने का मन नहीं हो ना तो उनको मैं बुक बंद कर देती हूँ और मैं कहती थी आज अपन ना बातें करेंगे, ठीक है, तुम अपनी बातें मेरे से शेयर करो और उनको सुनो, उनके विचारों को सुनो। और भी और जब मैं बोर हो जाती हूँ ना, बड़े बच्चों को भी कि यार ठीक है इनसे भी नहीं, मतलब इनके पास भी नहीं जाएंगे, तो मैं छोटे वाले बच्चों के पास चली जाती हूँ। और यार मतलब वहाँ जाके उनके बीच में जाके इतना सुकून मिलता है कि मतलब ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट जो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, कितनी अच्छी जो चल रही है, मतलब बच्चों के बीच में हम जो मुझे प्यार मिलता है, जो आपने मेरा फेयरवेल पार्टी वाला वीडियो देखा उसमें बच्चे जिस तरह से रो रहे थे, सारी चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे जिस तरह से रो रहे थे, तो मैं ऐसे सोच रही थी यार दुनिया की कोई सी भी नौकरी ना ये प्यार नहीं दिलवा सकती जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मतलब इतनी इज्जत नहीं दिलवा सकती यार। तो मुझे ना बड़ा मतलब प्यार हो गया मेरी नौकरी से, तो मतलब अंदर वाला सुकून मिलता है यार। बड़ाई की बात नहीं है, सैलरी वैलरी सब अपनी जगह है, लेकिन आप उन लोगों के बीच में जाते हो जो प्योर हार्ट होते हैं, प्योर सोल होते हैं, उनके बीच में आप रहते हो दिन भर। और ऊपर से काम क्या है, पढ़ाने वाला, तो पढ़ाने वाला काम यार खुद भी तो नॉलेजफुल होते हो आप। मैं हर रोज़ कुछ नया सीख के आती हूँ जब भी उनको पढ़ाती हूँ, तो यार उसमें भी तो मज़ा आता है। और फिर मैं पता है उनको कैसे पढ़ाती हूँ, मैं उनको ऐसे पढ़ाती हूँ कि उनको नहीं याद करवा रही, मैं खुद याद कर रही हूँ कि सारी चीज़ें, कि यार ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये कंसेप्ट तो अपने इतने क्लियर ही नहीं थे, अगर RHS के टाइम पे अपन ये पढ़ लिए होते तो अपन मेंस में इतना अच्छा लिख सकते थे। वो वाली चीज़ें भी होती है, तो यार खुद हर दिन ऐसे सीखो ना, आज मैं इस लेसन से कुछ सीख के जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो इस तरह से हम पढ़ाएं, खुद का नॉलेज भी बढ़ता है, सामने वाले का भी बढ़ता है। अब लास्ट बात कर लेते हैं प्रमोशन की। टीचर में देखो प्रमोशन होता है, टीचर में 9, 18, 27 वाला चलता है, मतलब 9 का पाड़ा लगा लो, 9 साल से प्रमोशन, 18 से 27 से और 36 से, 4 प्रमोशन मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं अभी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूँ, तो मेरा नेक्स्ट प्रमोशन है प्रिंसिपल का, तो 9 साल बाद में मैं प्रिंसिपल के पद पर पहुँच जाऊँगी, जिसमें 2 प्रोबेशन के कंप्लीट हो जाएंगे, 7 साल और निकालने, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है प्रिंसिपल का पद खाली नहीं हो, तो मुझे हो सकता है 2 साल 9 के भी 1, 2, 3 साल बाद में मिले, हो सकता है पहले भी हो जाए। बट अगर 9 साल होते ही जो मेरा पे ग्रेड है, मेरी सैलरी है, मैं L16 में पहुंच जाऊंगी, है ना, और 6200 पे ग्रेड होती है प्रिंसिपल की, तो मैं उसमें पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको प्रमोशन, मतलब आप प्रमोट हो जाते हो, प्रिंसिपल का पद खाली हुआ तो आपको मिल जाएगा, नहीं पद खाली हुआ तो प्रिंसिपल की सैलरी और उसकी पे ग्रेड आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो अब आपने समझ लिया होगा टीचिंग की जॉब में मतलब फर्स्ट चीज़ से लेकर लास्ट चीज़ तक सब कितना सही है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं वाली बात, कि खुद को RHS नहीं मिली तो इसलिए ऐसी बातें कर रही है, यार कुछ भी बोल दो, लेकिन आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ एंड माई जॉब, है ना। मुझे मज़ा आता है बच्चों के बीच में जाके और इतनी सारी छुट्टियाँ पा के भी, क्योंकि बाकी जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं किसी को इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती जितनी मेरे को मिल रही है, तो वो उसको भी मैं एन्जॉय करती हूँ। और ठीक है, पढ़ाने वाली जॉब तो है ही। तो आपके लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब नेक्स्ट वीडियो में उस पे लेके आऊँगी कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर MA कर रहे हो तो आप किस तरह से 0 लेवल से तैयारी करें, और उसके लिए मैं बुक लिस्ट और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पे लाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, लाइक वाला दबा दो, और नीचे अपनी जो भी मन में विचार आते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।